इसको देखो इसके तो मजे हो गए यार, एकदम मजे हो गए इसके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अब्बा इसको अंदर ले लो। तो गाइस आज जुमा है, तो आप सबको हमारी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं जा रहा हूँ अभी मस्जिद में, जो चंदा जमा हो गया है वो देने के लिए। तो मैं सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। अंदर लेके दरवाजा का हाल है यार, जैसे नीचे उतरा नहीं मैं वैसे मेरे को उसने पकड़ लिया। तो चलिए चलते हैं मस्जिद में और देखते हैं अपने पहले फारूक अंकल है कि नहीं है। अरे माशाल्लाह, क्या वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, चल रहा है काम? तो अपना ये जो वजू खाना है ना, उसमें टाइल्स लग रही है दोनों साइड। तो माशाल्लाह 1000 रुपये का रशीद बन गई है और यहाँ पर अभी बहुत सारे काम बाकी है। अभी ना थोड़े जो पैसे वगैरह थे ना वो सब ख़त्म हो गए हैं, तो माल वगैरह जो भी है उधार लेकर आया। तो मैंने जो अभी 10,000 रुपया दिया ना माशाल्लाह, तो उससे बहुत मतलब क्या बोलते हैं अपना काम आ जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है गाइस कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, अभी मस्जिद में बहुत सारे काम बाकी हैं और पैसे वगैरह जो है लगने वाले मज़दूर को देने वाले सब ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ अभी एक दो मजदूरी काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं लगाए क्योंकि पैसा वगैरह भी देना पड़ता है ना उनको इसी वजह से। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। चलो अल्लाह, क्या कर रहे तुम? ये देखो भाई खिलौना पलंग पे, इन लोगों का पूरा खिलौना पलटी कर दिया और इन लोग खेल रहे हैं। तो गाइस मैं ना अभी जा रहा हूँ 7 नंबर, बच्चे लोग के लिए कुछ फल फ्रूट्स लाने के लिए, जैसे कि सेब बनाना, और देखेंगे जो चीज़ अच्छी मिलेगी वो लेकर आते हैं। जिस दुकान से मुझे लेने का था ना तो वो बंद थी, तो अभी 8 नंबर साइड आया हूँ। देखो ये साइड आया हूँ मैं, और चलिए देखते हैं ये लाइन में अपने को कुछ मिलता है या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, मुझे ना पहले ही आ जाना चाहिए था 8 नंबर, ज़बरदस्ती मैं इतना घूम के गया। और यहाँ पर देखिए सब चीज़ है लेकिन सेफ नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ भाई, सेफ नहीं है ना? हाँ क्या इसे ऐसे नहीं लेकर आए? सेफ बहुत महंगा है, इसे ऐसे अंकल भी नहीं लेकर आए। तो सोचो फिर जब अंकल नहीं लेकर आया तो हम क्या खरीदेंगे। वैसे कितना रुपये किलो चल रहा है सेब? 200 से ऊपर हो गया। बाप रे बाप, माँ मेरी, तो फिर सेब कैंसिल। और एक दर्जन केला दे दो। और ये अनार 180 रुपये किलो अनार। और ये मौसम्बी 60 रुपये किलो। हाँ एक किलो सा ये दे दो। चलो इतने महंगे महंगे चीज़ हो गए ना भाई, क्या ही बोलूँ मैं। तो चलो भाई ले लिया हूँ मैंने 2-3 सामान, अब चलते हैं यहाँ से घर पे। लो पकड़ो, तुम मैं जो उंगली मेरी हुए ना जहाँ पर, वहाँ पे अपनी उंगली घुसा पूरी। तुम्हारा फेवरेट सेब? सेब नहीं है, चिक्कू। अरे वाह, उस दिन बोले थे ना तुमने। भाई ये क्या है? चिक्कू है। खाएंगे? मैं आते आते ना मेडिकल से फातिमा के लिए ना, फातिमा और अरहान के लिए ये वाली सिरप भी लेकर आया हूँ। और क्योंकि वो जो आते हैं ना वज़न कराने वाले, तो उस दिन अभी जस्ट मुझे फ़ोन आया था, मैसेज आया था उनका, बोले हैं कि फातिमा का वज़न बराबर है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। वज़न भी मेरे ख्याल से कभी बोले देंगे, शायद मेरे सुनने में कुछ गलती हो रही। बोले फातिमा का वज़न भी कम है और हाइट भी उसकी नहीं बढ़ रही है, तो ये वाला मुझे सिरप फ़ोटो भेजे। तो मैं जस्ट अभी मेडिकल से ये वाली लेकर आया आते आते। तो सालो जितनी भी पहले की दवा है ना सब हटाओ उसको, अब ये पिलाओ। ठीक है 12। अभी सोलिया खाना अगर तो बनाने का सीन नहीं है क्योंकि जो कल रात में बनाए थे ना बहुत ज़्यादा था, तो अपने को दोपहर में भी वो काम आएगा। तो कैसे हो आप लोगों का वेलकम है सालेश्वर जी के ब्लॉग में। उम्मीद आप सब कैसे हैं? तो आज ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मेरा काम वगैरह सब करके हो गया, बस झाड़ू नहीं तो बर्तन धोके हुआ ना, अभी झाड़ू वगैरह मारने के बाद बच्चे लोग को। और कपड़े कब धोएंगे? फ्रेश करने के। कल धोएंगे? कल पानी मिलेगा ना? अच्छा कल का पानी मिलेगा? कल मिलेगा ना? परसों मिलेगा? शनिचर से मिलेगा? शनिचर को मिलेगा? कल जुमेरात को मिला ना? हाँ तो आज। अच्छा हाँ यार, बराबर कल मिलेगा, मेरे ध्यान में नहीं है। तो कल धोएंगे? चलो ठीक, वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया नहा धो के एकदम फ्रेश, और चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, नमाज पढ़ कर आते हैं जुमा की, और अजान भी हो गई है। चलो अल्लाह हाफिज। अल्ला।
अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ से फारिग हो गया। और चलिए चलते हैं घर पे, देखते हैं सालिहा और बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एकदम मुस्तफ़ा। अबू का हाथ चूम लो जल्दी जल्दी, माशाल्लाह। तुम भी उठ के अरे वाह क्या बात है यार। फातिमा कितने प्यारे लग रहे तुम सच में, अल्लाह अल्लाह। चलो उठो जल्दी जल्दी उठो माय बॉय, चलो उठो जल्दी जल्दी। खाना खा लिए? हाँ। क्या खाए मेरी बेटी ने? हाँ खिच्ची खाई। खिच्ची में क्या खाए? खिच्ची खाई। अच्छा खिचड़ी, अस्तगफिरुल्लाह खिचड़ी खाए। हाँ। मेरा बच्चा खिचड़ी खाए। हाँ। अम्मी ने तो खिचड़ी बनाए नहीं, तब तुम खिचड़ी कैसे खाए? हाँ अच्छा बनाए देगा लोग के लिए। हाँ। वही बोला खिचड़ी। और फातिमा क्या कर रहे तुम? अरु खड़े हो जल्दी जल्दी, खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी, सलाम कर दो। वाह वालेकुम अस्सलाम, बोलो सबको कैसे हो? कैसे हो? मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ, थैंक यू। ऐसे ही कमेंट करो, लाइक करो, सपोर्ट करो। और जल्दी सालिया को ना भाई कुछ भी बोलो चिढ़ाने, इतना मजा आता ना मैं क्या ही बोलूं। ये तुम लोग दोनों का यहाँ पर क्या चल रहा है मैटर? क्या है? हाँ फातिमा क्या कर रहे तुम भाई को पाउडर लगा रहे? लाली लगा ली। क्या हो रहा है? तो गाइस हम लोग बैठे अभी खाना खाने के लिए, और इंशाल्लाह खाना वगैरह खाने के बाद ना मैं जाऊंगा चारकोप कब्रिस्तान, जैसे कि पिछले जुमा में मैंने बोला था लेकिन नहीं जा पाया। लेकिन इंशाल्लाह अभी मैं अकेले चले जाऊँगा, अगर पूछूंगा कोई आएगा साथ में तो लेके जाऊंगा, वरना मैं खुद ही अकेले इंशाल्लाह चले जाऊंगा। तो कोई भी नहीं है साथ में अपने, अपने बापू अकेले ही चलते हैं और क्या बोलते अपना जाकर आते हैं। एक चारकोप कब्रिस्तान मतलब एक रुपये और छुट्टा जाए लगे। चलो भाई चार को कब्रिस्तान। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ चारकोप कब्रिस्तान, और यहाँ पर वजू करने के बाद जो ठंडा ठंडा पन लगता है ना, क्या सुकून मिलता है यार, सही में एकदम। अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقيم الصلاه ومن ذريات ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين الحمد لله بہت سکون ملا اور ہم چاہے کتنے بڑے بھی ہو جائے ہمیں اپنے مرحوم مرحومہ ماں باپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے। तो मैं सोचा था क्या बोलते अपना जाने टाइम पे बस से जाऊँ, लेकिन चलो थोड़ा पैदल चलते हैं, पैदल चलना भी बहुत अच्छी बात है, क्या बोलते अपना बॉडी फिट रहती है। और अभी जस्ट खाना वगैरह खा के निकला था ना, तो चलो जाने टाइम पैदल जाएंगे, थोड़ा खाना वगैरह अभी हजम हो जाएगा। तो यहाँ पीछे साइड से जा रहा हूँ मैं, और कम से कम मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए चलते हैं पैदल ही मस्त एकदम। लहसुन देखो यहाँ पर कैसे सुखा रहे हैं, और यहाँ पर ये भंगार वाली लाइन से आ रहा हूँ मैं, और यहाँ पर देखो सर ऐसा भंगार वगैरह है मस्त एकदम, टूटी फूटी कुर्सी ऐसे बड़े बड़े पाइप रखे यहाँ पर।
अरे माँ ऐसी भी जगह है यार यहाँ पर, देखो ठीक है, ये देखो सनाला वगैरह यहाँ पर बह जा रहा है, सब ग्रिल रखी है लोखंड के, सेकंड हैंड यहाँ पर मिलता है, देखो कितनी सारी ग्रिल ब्रिल है, ए, क्या लंबी सीढ़ी है ये देखो यहाँ पर सेकंड हैंड कबाब कड़ा कबाब बोल रहा हूँ कबाड़ मिलते हैं बंगाल में, और आगे फ्रिज का है, ये देखो फ्रिज वॉशिंग मशीन देखिए, एक साड़ी देख देख के ना मेरी मुंडी एकदम टेढ़ी हो गई है, कब से वो इस साड़ी देख रहा हूँ, ये देखो और भी बहुत सारी यहाँ पर दुकान है फर्नीचर के, ऐसे क्या बोलते अपना बेड सिंगल बेड वगैरह जो भी है मिलते हैं यहाँ पर।